हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर महादेव। सो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं एटा में, क्योंकि मैं एटा पहुँच चुकी हूँ। आज सुबह ही एटा पहुँच गई, क्योंकि एटा में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो ऑरिजिन, वो यहीं पर मैं छोड़ के गई थी, क्योंकि वहाँ पर लेके नहीं गई थी। और जो वहाँ पर मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तो वहाँ पर मेरे जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन के लिए चाहिए थे। तो जस्ट बिकॉज मैं यहाँ, मुझे आना पड़ा यहाँ पर, और यहाँ पर देखा कि पानी पूरा भरा है, पहले की तरह बाढ़ आ गई एटा में, क्योंकि पानी पूरा आ गया है, गली पूरी भरी हुई है। तो जब भी मैं दिल्ली से आई थी, मैंने ज़्यादा ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पर मतलब मन नहीं करता था यार, कम बनाते हैं ब्लॉग, और टाइम नहीं मिल पाता था, इधर से उधर जाना, इधर से उधर आना, सब थक जाती थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग्स नहीं बनाती थी। तो अभी मैंने कुछ क्लिप सुनाई है, मैं मिनी ब्लॉग बनाती थी वहाँ पर जाता हूँ। मुझे मिनी ब्लॉग, अब मुझे ब्लॉग से थोड़ा मतलब अच्छे लग रही है, और इसमें थोड़ी अर्निंग भी अच्छी है इस ब्लॉग, मतलब लॉन्ग ब्लॉग से ज़्यादा मिनी ब्लॉग में अर्निंग है। तो इस वजह से बहुत फ़ायदा क्या है इतनी ज़्यादा मेहनत करने से, क्योंकि इसमें अर्निंग कम है। और तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा पानी भर गया, पूरा पानी भर गया, पूरा श्याम बिहार में पानी भर चुका है एटा में। और तो इस वजह से और आना पड़ा कि देखते हैं कितना कैसा है, मतलब पानी कितना नहीं है। तो वह चलते हैं फिलहाल अभी बाहर, क्योंकि दिल्ली से आई थी मैं कल नहा के सुबह, क्योंकि रात में निकली हूँ, इस वजह से तो अभी तक मुंह तक नहीं धुला, क्योंकि पानी नहीं है। अभी आपको दिखाते हो। सो ये गया पानी, पूरा भरा, अभी थोड़ा कम हो रहा है। पूरा इधर इधर ना सब लोग खाली करके चले गए हैं, पीछे मकान जितने भी थे, पीछे सारे लोग खाली करके चले गए हैं। भैंस वगैरह थी ना पीछे, तो इस वजह से, क्योंकि सर्वाइव भैंस वगैरह कैसे कर पाएंगे, पानी इतना भरा है, कुछ आ नहीं रहा, कुछ जा नहीं रहा, तो सर्वाइव होना थोड़ा मुश्किल है। अभी थोड़ा पानी कम हो रहा है, पहले थोड़ा ज़्यादा था, तो और टेंशन भी थी कि यहाँ पर ये लोग हैं, पता नहीं कैसा पानी होगा कैसा नहीं, तो इस वजह से और आ गई मैं, क्योंकि टेंशन तो थी यार, यहाँ पर कोई था नहीं, इस वजह से और आ गई। तो यहाँ देखो, लास्ट टाइम जब आ रही थी ना बाढ़, तो यहाँ तक पानी था, यहाँ तक जब लास्ट टाइम आई थी बाढ़, तो यहाँ तक पानी था, यहाँ तक। क्यों पीन वाना है? हाँ पी लोगा, पीन वाना है, ऊपर रखो तो ड्रम में वो है। तो इस बार तो बहुत कम है, अभी तो फिलहाल कम हो गया है, लेकिन फिर भी है पानी। खाते हैं आपको कि आसपास पानी कितना भरा है। मक्का भी बहुत ज़्यादा बन गया, इसके भी प्रॉपर बनाऊंगी अभी। ये भरा देखो, पीछे पीछे देख रहे हो, देखो पानी कितना भरा है। भैया था वीडियो ऐसी बनाई तो मैं यूट्यूब बना दूंगा। देसी शिव आइए ना, चार टेन सौ रुपया चार लू कूद गिया खाओ। है तो खाओ यार, खाओ मजे लो स्विमिंग पूल के, और जबे के साथ चाय और जबे। जिया कैसे लग रहा हो है तुम्हें, कैसे लग रहा हो तुम्हें, तुम्हें लग कैसे रहो, खाओ ना, कब कल खाई होगा तब तो आए। तो जिया लेके आई मूंगफली, ठीक है तो तुम चाय पी लो, चार ले लेटे हैं नीचे, हम तो ये खाई है, मजा ले रहे हैं बाहर को।
गंगा के पार गई आसपास स्विमिंग पूल ना निकलने की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, ना कुछ आ पा रहा ना कुछ, ना लाइट आ रही है ना कुछ, पता नहीं लाइट कब आएगी। आज बोला था कि लाइट सही हो जाएगी बट मैं तो आज ही आई हूँ, और आज इसी वजह से आई हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो हम लोग भी आ गए घर। मम्मी जी कट लो, मम्मी देखियो जी गिट्टी ऊपर ना है तो रसो सांप तो ना है। पूरा यार बिल्कुल पानी, जब से मैं आई हूँ सुबह आ गई थी मैं, तब से बिल्कुल पानी कम नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल भी 1% भी, 1% होता ना 1% भी नहीं हुआ, जब भी धूप बराबर निकली थी। फिर भी भाई एटा है जे, ना कोई कुछ कर रहा ना कुछ, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है। अभी लास्ट 3 या 4 साल पहले आई थी यहाँ पर बाहर, और अभी फिर से आ गई 3 साल पहले। जिया कैसे फील ले रही हूँ, ये है मेरी दादी, तो ये गांव से आ गई बेचारी, यहाँ फंस गए आगे, इन्हें सोची सिटी में चलेंगे, सिटी में तो जे हाल है जिया। देखो अनार के पेड़ पर अनार कितने आए हैं जवाब, कितने अनार आए हैं, देखो अनार आ गए हैं इस बार। पता है बच्चे आते हैं छोटे छोटे तोड़ के भग जाते हैं कच्चे ही, पर बट इस बार बहुत ज्यादा आए हैं, ज्यादा क्वांटिटी में, पर कोई ना अच्छा ही पानी भरा है, पानी जब नहीं भरता ना तब तक कोई ना कोई ऐसे तोड़ ले जाता है, तो अभी देखते हैं। एक भी हम लोगों ने इसका मतलब ऐसा नहीं था कि हमने इसका खा लिया हुआ अनार, एक भी पका हुआ तो मिला ही नहीं हमें, कच्चे कच्चे हम भी तोड़ लेते हैं, फिर दूसरे तोड़े देते हैं तो हम भी तोड़ लेते हैं फिर। पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा, कल आ गई थी दिल्ली से, मतलब सुबह कल चली थी, मतलब तभी से तभी ना के आई थी तक, बस एक बार मुंह धुल लिया, बाकी नहाने का तो यहाँ सोच भी नहीं सकते हैं, और फोन भी चार्ज नहीं है ज़्यादा। अब देखते हैं लाइट से भी जाती तो ठीक है, नहीं चली होती तो कुछ और भी किया जाएगा। फाइनली आ गई है लाइट, और अभी नहाई हूँ मैं रात के 8:30-8:30 बजे। तो इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय।